आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रयान साहब ने पिशावर से पूछा है जी, कुछ लोगों का कहना यह है कि दुआ के बाद हाथों को मुंह पर नहीं फेरना चाहिए, इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। इस बारे में हमारे पास हदीस मौजूद है, सुनन तिर्मिजी की हदीस है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इदा रफ़ा यदैही फिद्दुआ लम यहुत्तहुमा हत्ता यमसहा बिहिमा वजहहू, और दूसरी रिवायत में लम यरुद्दहुमा हत्ता यमसहा बिहिमा वजहहू, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो अपने चेहरे पर जब तक हाथ फेर न लेते तो हाथ नीचे न करते। रिवायत अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन इसके मुताबियात और शवाहिद इस रिवायत के मौजूद हैं, जिसकी वजह से काबिल कबूल है और मसला कोई इतनी अहमियत का हामिल भी नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मजबूत हदीस चाहिए। लेकिन इससे इतना हो जाता है कि अगर कोई ये अमल करता है तो उसको बिदत नहीं कहा जाएगा और गैर साबित शुदा अमल नहीं है ये।